हेलो एवरीवन, खमागनी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल और क्लासी मेकअप लुक है। तो इस मेकअप लुक को आप अपनी डेली लाइफ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही में जो न्यूली वेड्स हैं वो अपनी शादी के बाद में इसको डेली कि जो अपना मेकअप है उसके अंदर रिक्रिएट कर सकती हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सिंपल सोबर है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। बहुत लंबे स्टेप्स नहीं हैं इसके अंदर और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है मैंने। सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, तो मैं वैसलिन का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए और इससे बहुत अच्छी मसाज दीजिए पूरे फेस को, आईज़ को, और पूरे अपने जो भी चिन एरिया, नोज़ एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छी इससे मसाज देनी है। जितनी देर आप दे सकें, एटलीस्ट आधी से एक मिनट तक आप इससे अच्छी मसाज दें तो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। और जस्ट इसके बाद में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बेबी क्रीम, क्योंकि ये डेली का मेकअप लुक है और डे मेक करने का मेकअप लुक है, इसलिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि हम डेली लाइफ में फाउंडेशन डेली कैरी नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ बेबी क्रीम ली है। उसके बाद में मैं उसको अपने हल्के हल्के हाथों से टैप करते हुए पूरे फेस के ऊपर उसको इवनली स्प्रेड कर दूंगी, और आईज़ के ऊपर भी मैं इसको लगाऊंगी ताकि अगर मैं कोई भी आई मेकअप करती हूँ तो वहाँ बहुत अच्छा सा उसका ग्रेस आए, बहुत अच्छा निकल के आए। तो अपने जो नेक एरिया हैं और कान हैं वहाँ भी मैं इसको लगाऊंगी ताकि पूरी स्किन इवन लगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फेस पाउडर। तो ये जो फेस पाउडर है वो मोस्टली ऑयली स्किन के लिए ज़रूरी होता है, मैं नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे शो करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ही फेस पाउडर यूज़ करें, और जब फेस पाउडर आप लगाते हैं तो कुछ एक जगह पे एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उसके लिए मैं बाद में ब्रश से उसको इवनली स्प्रेड कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देती हूँ। इसके बाद में मैं लगा रही हूँ आईब्रो पेंसिल। तो आईब्रो पेंसिल के लिए आईब्रो फिल करना मेरा मेकअप का सबसे मेन पार्ट है। बिना आईब्रो फिल किए मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं होता। तो जब मुझे ऐसे स्पेशली मैं कोई मेकअप करती हूँ तो थोड़ा सा डार्क आईब्रो मैं बनाती हूँ, और अदरवाइज़ जो मेरा डेली मैं आईब्रो बनाती हूँ वो थोड़े से लाइट बनाती हूँ। तो अगर आपके आईब्रो थोड़े से डार्क बन जाते हैं, जैसे कि मुझे अभी बनाने के बाद में थोड़ा सा फील हुआ कि थोड़े से डार्क हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे यूज़ करूँगी फेस पाउडर। तो जो ब्रश थी जिससे मैंने फेस पाउडर सेट किया था उसी ब्रश से मैं इसको ऊपर थोड़ा सा इसको लगा लूँगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा का कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। इसके बाद में मैं सबसे पहले लिप बाम लगाऊँगी जिससे मेरे जो लिप्स हैं वो थोड़े मॉइस्चराइज हो जाएंगे। इसी के साथ में जब तक लिप मॉइस्चराइज होते हैं मैं मेरा आईलाइनर लगा लूँगी। आईलाइनर मैं स्केच का लगा रही हूँ, क्योंकि डेली जो हम जल्दी इतना टाइम नहीं होता मेकअप करने के लिए, तो फटाफट से स्केच से लाइनर लगा लो। लिक्विड लाइनर अगर हम लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा ड्राई होने में भी टाइम लगता है। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर हाईलाइटर। तो आई शेडो मैं यूज़ नहीं कर रही, बट आई शेडो पैलेट में से ही मैंने मेरा हाइलाइटर लिया है, और जो मेन एरियाज़ हैं जैसे मेरे चिक्स के ऊपर का, चिन का, नोज़ का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा के उसको काफ़ी देर तक बहुत अच्छे से सेट करूँगी, जिससे कि ये एकदम बहुत ही मेरे फेस के अंदर मेल्ट हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी शाइन देगा। इसके बाद में जो मेन चीज़ आती है वो है लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, और लिक्विड लिपस्टिक जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी है। अदरवाइज़ मैं मैट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैंने यहाँ रेड कलर यूज़ किया है जो कि न्यूली वेड्स के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्लासी लुक देता है। तो इसके बाद में मैं बिंदी और सिंदूर से अपना ये जो मेकअप लुक है वो पूरा कंप्लीट कर दूंगी, और एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाऊंगी जो कि डेली के अंदर बहुत इजी होता है बनाना, और इस
इससे मैं सिंपल सा एक क्लचर लगा के और अपने आधे बालों को पीछे खुला रख सकती हूँ और आधों को पैक कर दूँगी। आप चाहें तो इनको पूरों को कवर कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको मैं साइड से निकाल दूँगी। तो बस यही था मेरा आज का मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।